जिस तरह से केदारपुरी को सजाया और संवारा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रवेश कर रहे हैं और वो यहाँ पे आ रहे हैं, आप देखिए तस्वीरों में। मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा सहयोगी जो है वो आपको तस्वीरें अगर दिखा सकते हैं तो वो दिखाएं कि कितना महत्वपूर्ण पल है ये। और अपनी पत्नी गीता जी के साथ वो यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत अहम पल है, बहुत अहम पल है। और देखिए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, कितना अहम पल है भगवान भोलेनाथ। अभी अभी बात नहीं हो पा रही है, अभी थोड़ी सी दिक्कतें हैं क्योंकि अभी भीड़ काफी है, पहले धाम खुलने की बारी है, बात अभी नहीं हो पाई है, लेकिन बात होगी। और निश्चित तौर पे अपनी पत्नी गीता धामी के साथ वो यहाँ अंदर पहुंचे हैं। आप देखिएगा सामने तस्वीरें अगर नजर आ रही हो, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें चल रही है जी मीडिया पे, आप उनको देख सकती हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ देर बाद जो कपाट खुलने हैं, 6:22 हो चुके हैं, 6:25 पे कपाट खुलने का समय है, यानी कुल मिला के अब 3 मिनट का जो समय है वो शेष रह गया है। और अब से कुछ देर बाद कपाट खुल जाएंगे, जिस पल का इंतजार था भक्तों को वो पल सामने आ चुका है, एक बहुत अहम पल भगवान भोले के भक्तों के लिए। रणली क्या मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल आपकी आवाज मिल पा रही है, हर तस्वीर भी मिल पा रही है। सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और जीवन में एक बार तो हर कोई दर्शन करना चाहता है भगवान केदारनाथ के, लेकिन सी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से हम उनको ये मौका दे रहे हैं, ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि घर बैठे आप दर्शन कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि उत्साह बढ़ता ही चला जा रहा है लगातार। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस उत्साह को नली हम शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते, हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। एक अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय तरह का माहौल यहाँ होता है, मतलब आप बिल्कुल भक्ति भाव में डूब जाते हैं जब बाबा केदार की नगरी में पहुंचते हैं। और चूंकि मैंने पहले जैसा कहा कि एक लंबे समय के बाद लोगों को ये मौका मिल रहा है, तो जो उत्साह है भक्तों का, जो उनकी श्रद्धा है वो कई गुना बढ़ चुकी है। और भक्त चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के का जो आशीर्वाद है वो ले। और जो संख्या है श्रद्धालुओं की, हम अभी एक तरफ है मंदिर के, हम एक तरफ है मंदिर के जहां से कपाट खुलने हैं, लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीरें भी हम आपको बाद में दर्शकों को जरूर दिखाएंगे कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहां पहुंच चुके हैं। और जो दर्शन का क्रम होगा वो अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। अब महज कुछ लम्हा ही रह गया है, और 6:24 हो चुके हैं, एक मिनट और के बाद जो भगवान केदारनाथ जी के कपाट है वो खुल जाएंगे भक्तों के लिए। और 6 महीने तक जो भक्त हैं भोलेनाथ के वो दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, पुण्य के भागीदार बनेंगे। आप देखिएगा कि कुछ लोगों के हाथ में कमल के फूल भी हैं, कमल का फूल लोगों के हाथों में नजर आ रहा है। भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, और ये यहाँ के जो स्थानीय पहाड़ है वहां से ये फूल ले आते हैं और आज के दिन यहाँ पे अर्पित किया जाता है। बस अब कुछ सेकंड और है, आप देखिएगा सबसे आगे जो नीले रंग के वस्त्र में नजर आ रहे हैं वो रावल है यहाँ के भीमा शंकर जी, जो ये खास पल होता है उसमें उनके द्वारा ही डोली को अंदर प्रवेश कराया जाता है। और एक जो सबसे सर्वोच्च पद है वो रावल का होता है, और बहुत बड़ी भूमिका होती है पूरे, अगर हम पूजा पाठ के क्रम की बात करें, चाहे वो भूखी मर्जी से जब भगवान की डोली प्रस्थान करती है केदारनाथ जी के लिए, या फिर जब मंदिर में प्रवेश होता है, ये कपाट खुल गए, हर हर महादेव, जय केदार जय केदार। और ये कपाट खुल गए आज भगवान शिव के, भगवान केदार के, ये अद्भुत तस्वीरें, कपाट खुल चुके हैं और इसी पल का इंतजार था। देश और दुनिया में बैठे हमारे तमाम जो भगवान भोलेनाथ के, केदारनाथ जी के भक्त हैं, तो बड़ी खबर मैं एक बार अपने दर्शकों को बता देते कि कपाट खुल गए हैं, एक लंबा इंतजार और ये अद्भुत नजारा सिर्फ और सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। और जो वक्त निर्धारित किया गया था 6:25 का, ठीक उसी वक्त पर कपाट खुल गए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर